Shri Hemant Patil. Prashna Kramank 426. It's laid on the table. Manya Sadashe. अध्यक्ष महोदय सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद देता हूं हम जैसे नए आए हुए सदस्य को काफ़ी प्रोत्साहन आप दे रहे हो मैं हिंगोली ये आदिवासी बहुल क्षेत्र से आया हूं मेरे क्षेत्र में हल्दी केली मौसम्बी सोयाबीन इसकी फसल बड़े पैमाने पे होती है ह्यूमन डिफिशेंसी इंडेक्स में महाराष्ट्र में सबसे पिछड़ा यह मेरा क्षेत्र है क्या इसके लिए कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार कुछ प्रावधान कर रही है मेरा दूसरा क्वेश्चन है एक साथ ही बोलो आप तो सेगमेंट दूसरा क्वेश्चन है कि कोल्ड स्टोरेज के लिए काफ़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी लगती है और इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट लगाए हुए हैं वो कमर्शियल होते हैं अपनी सरकार फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी के जो दर है वो कमर्शियल नहीं लगाते हुए इसमें कुछ सब्सिडी दी जाएगी क्या सर मैं आखिरी वाले सवाल से शुरू करूंगी ताकि मैं भूल ना जाऊं आप भी संक्षिप्त में दे दें 12 बजने वाले मैं सदन को बताना चाहूंगी कि ये मोदी जी की सरकार है ये भ्रष्टाचार वाली पुरानी सरकार नहीं है बहुत कुछ इस सरकार में बदला है तो मुझे पता नहीं कि माननीय सांसद को आश्चर्य क्यों हो रहा है पाँच सालों में इस सरकार ने पहले दिन ही आते सबसे पहले जो कार्रवाई करी वो काले धन के खिलाफ एसआईटी नहीं बनाई लेकिन मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और खाने वालों को छोड़ूंगा भी नहीं और यही कारण है कि पाँच साल में एक भी मंत्री के ऊपर कोई दाग भ्रष्टाचार का नहीं लगा जहां रोज नित नवे भ्रष्टाचार के चीजें आती थी पुरानी सरकार के ऊपर सो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं हमें इस बात का गुमान है कि बेदाग सरकार चलाई है जिसका हक बनता उसको हमने दिया है इस करके कोई भ्रष्टाचार की रिपोर्ट नहीं आई प्रश्नकाल समाप्त एक मिनट